क्यूकम्बर की खेती के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ जो आपको जानना चाहिए इस रिफ्रेशिंग समर वेजिटेबल के बारे में, इसके ओरिजिन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूँ आपका होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। क्यूकम्बर्स साइंटिफिकली नोन एज क्यूकमिस सेटिविस इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। ये क्लाइंबिंग प्लांट पूरे देश में एक स्टेबल समर वेजिटेबल है। क्यूकम्बर फ्रूट को रॉ सैलड्स में या कुक्ड वेजिटेबल्स के रूप में एंजॉय किया जा सकता है। सीड्स भी वैल्यूबल होते हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जो बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्यूकम्बर प्लांट्स बड़े होते हैं, इनके लीव्स हेयरी और ट्रायंगुलर होते हैं और फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं। ये प्लांट्स 96% पानी कंटेन करते हैं जो इन्हें परफेक्ट समर वेजिटेबल बनाता है। ये मोलिब्डेनम यानी कि MB और विटामिन K से रिच होते हैं और स्किन, किडनी और हार्ट प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में जो हमें और डिटेल जानकारी देगी। जैसे कि क्लाइमेट, क्यूकम्बर प्लांट्स वार्म टेम्परेचर्स में थ्राइव करते हैं। ग्रोइंग टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का होता है। रेनफॉल 120 से 150 मिलीमीटर तक ही होनी चाहिए। सोइंग टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए और हार्वेस्टिंग टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। क्यूकम्बर अलग अलग सॉइल्स में ग्रो किए जा सकते हैं, फ्रॉम सैंडी लोमी टू हैवी सॉइल। लेकिन लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर अच्छी ड्रेनेज के साथ सबसे उपयुक्त होता है। आइडियल पीएच रेंज 6 से 7 का होना चाहिए। वैरायटीज और उनकी यील्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये रहे कुछ पॉपुलर क्यूकम्बर वैरायटीज और उनके यील्ड्स, जैसे कि पंजाब खीरा पॉलीनेट हाउसेस के लिए जाना जाता है। यील्डिंग 304 से 370 क्विंटल पर हेक्टर होती है। पंजाब नवीन हाई ड्राई मैटर और विटामिन सी का कंटेंट इसमें होता है। यील्डिंग 70 क्विंटल पर एकर। पूसा उदय लाइट ग्रीन फ्रूट्स, मैच्योरिंग इन 50 टू 55 डेज, यील्डिंग 65 क्विंटल पर एकर। पूसा बरखा ह्यूमिडिटी और डिजीजेस से प्रतिरोधी, यील्डिंग 78 क्विंटल पर एकर। लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं। क्यूकम्बर प्लांटेशन के लिए फील्ड अच्छे से प्रिपेयर और वीड फ्री होनी चाहिए। फाइन टिल्स अचीव करने के लिए 3 से 4 प्लाउइंग्स करें। फार्मयार्ड मनोर जैसे काउडंग सॉइल के साथ मिक्स करें। नर्सरी बेड्स 2.5 मीटर वाइड और 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग के साथ प्रिपेयर करें। सोइंग आमतौर पर फरवरी से मार्च के महीनों में होती है। हर बेड में 2 सीड्स 60 सेंटीमीटर के गैप पर और 2 से 3 सेंटीमीटर डीप सो करें। अलग अलग मेथड्स में लो टनल टेक्नोलॉजी, डिबलिंग, बेसिंग और रिंग लेआउट शामिल है। सीड और सीड ट्रीटमेंट, सीड रेट 1 किलो पर एकर इस्तेमाल करें। सीड्स को कप्तान एट 2 ग्राम से ट्रीट करें। सोइंग से पहले डिजीजेस और पेस्ट से सुरक्षित रखने के लिए फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स पर एकर, यूरिया 90 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि SSP, 125 किलो म्यूरिएट ऑफ पोटैश यानी कि MOP, 35 किलो इन्हें लैंड प्रेपरेशन और डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस पर अप्लाई करें, बैलेंस न्यूट्रिशन इंश्योर करने के लिए। वीड्स मैनेजमेंट, वीड्स को हैंड होइंग या ग्लाइफोसेट एट 1.6 लीटर पर 150 लीटर ऑफ वाटर से कंट्रोल करें। ध्यान रखें कि ग्लाइफोसेट सिर्फ वीड्स पर अप्लाई हो। इरिगेशन की बात करते हैं। क्यूकम्बर्स को समर में फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जरूरत होती है, कुल मिला के कम से कम 10 से 12 इरिगेशन की। प्री इरिगेट करें बिफोर सोइंग, फिर हर 4 से 5 दिन पर वाटर करें। ड्रिप इरिगेशन बहुत असरदार होता है। पेस्ट और डिजीज प्रोटेक्शन, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपने प्लांट्स को डिजीजेस जैसे कि एंथ्रैक्नोस, बैक्टीरियल विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू
और मोजाइक से प्रोटेक्ट करें पर्याप्त फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के साथ। पेस्ट जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए नीम ऑयल 3% की मात्रा में यूज करें। हार्वेस्टिंग, क्यूकम्बर्स को सोइंग के 45 से 50 दिन बाद हार्वेस्ट करें। 10 से 12 हार्वेस्ट परफॉर्म करें जब फ्रूट्स ग्रीन और यंग हो। हार्वेस्टिंग के लिए तेज धार चाकू का इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये गाइड आपको सक्षम क्यूकम्बर कल्टिवेशन में मदद करेगी। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।